पैसा सब कोई से अलग अलग अमाउंट लिया गया, किसी से 5, किसी से 6, किसी से 7, ऐसे लिया गया। और अगर कोई उस वक्त पैसा नहीं दे रहा था तो फाइल फेंक दिया जा रहा था बाहर। यहाँ पे एक प्यून भी है, वो हम लोग से अच्छे से बात नहीं करते। यहाँ के बर्ताव, किसी से स्टूडेंट से कैसा बात करना चाहिए, लोगों को कुछ नहीं पता है। प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल सीधा हाथ खड़ा करके सिलेंडर बोल दिए। बोलते हैं क्या कि हम लोग को नहीं पता, तुम जिस प्रिंसिपल को पैसा दियो उस प्रिंसिपल के पास जाओ। और उस वक्त प्रिंसिपल VS राय थे। हाईलाइट कर दिया जाता है, फिर हम लोग का रिजल्ट में इशू होगा, हम लोग को नंबर में इशू होगा, ये लोग हम लोग को फिर अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। सर हम लोग के सीनियर के साथ ऐसा हो चुका है, सर हम लोग के सीनियर के साथ ऐसा हुआ, इसीलिए हम लोग को डर बन गया, इसीलिए सारी लड़की लोग अपना कवर करके रखे हैं। और जो भी यहाँ पर आवाज उठाते हैं उनको सबको पैसा खिला दिया जाता है, घूस दे दिया जाता है। रांची के प्लाजा चौक स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का ये कहना है कि हम लोग से अलग अलग अमाउंट, किसी से 6,000, किसी से 7,000, किसी से 5,000 कॉलेज प्रबंधन को हमने यूनिफॉर्म के लिए दिया था। करीब 3 साल पहले यह राशि हम लोग कॉलेज में जमा किए थे, लेकिन अब तक इनका ड्रेस तक नहीं आया और अब यह कॉलेज से निकलने वाली है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हम लोग का एडमिशन 2020 में हुआ था, ये तो आप लोग को इतने कोई से बात करके पता चल गया कि जब भी मिशन हुआ था। पैसा सब कोई से अलग अलग अमाउंट लिया गया, किसी से 5, किसी से 6, किसी से 7, ऐसे लिया गया। और अगर कोई उस वक्त पैसा नहीं दे रहा था तो फाइल फेंक दिया जा रहा था बाहर। फाइल फेंक के ये बोला जा रहा था कि एडमिशन नहीं लेंगे। और आज हम लोग का एडमिशन होने के बाद हम लोग कैसे कैसे पैसा जुगाड़ करके हम लोग एडमिशन करवाएं, इतना कुछ होने के बाद आज 2022 होने जा रहा है और अभी तक हम लोग को ड्रेस नहीं मिला है। और इसके साथ ही हम लोग इस मुद्दा को लेके JUT में गए, सिक्योरिटी इंचार्ज नेपाल हाउस में गए, हर जगह गए, पर आज तक हम लोग को ड्रेस नहीं मिला। बस टाला जाता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, ये कब तक चलेगा। हम लोग गरीब के बच्चे हैं, कोई अमीर खानदान से नहीं है कि 7,000 पैसा देख के चुप बैठ जाएंगे। हम लोग का खुद का पैसा कैसे आता है, कैसे भाड़ा लेके आते हैं, कैसे क्या करते हैं, किसी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सरकारी टीचर्स को। यहाँ पे एक प्यून भी है, वो हम लोग से अच्छे से बात नहीं करते। यहाँ के बर्ताव, किसी से स्टूडेंट से कैसे कैसा बात करना चाहिए, लोगों को कुछ नहीं पता है। ये लोग बस ऐसे स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं कि हाँ ये लोग बच्चे, ये लोग गरीब खानदान से आया है, ये लोग को ऐसे ही ट्रीट करना है, ये लोग को कुछ नहीं कुछ करना है। यहाँ तक कि हम लोग का एक वर्ड नहीं सुना जाता है। यहाँ पे आज 2 साल कंप्लीट होने वाला, 3रा साल हम लोग का लास्ट ईयर चल रहा, आज तक हम लोग को ड्रेस नहीं मिला। अब 6 महीने के लिए हम लोग को ड्रेस नहीं चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए। और JUT भी कुछ नहीं करता है। हम लोग JUT भी गए हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर तो सेकेंड ईयर हम लोग को लॉकडाउन था, थर्ड हम लोग जैसे ही थर्ड सेमेस्टर से आए हैं हम लोग उसके बाद JUT गए हैं। पहले हम लोग प्रिंसिपल से बात किए तो प्रिंसिपल सीधा हाथ खड़ा करके सिलेंडर बोल दिए। बोलते हैं क्या कि हम लोग को नहीं पता, तुम जिस प्रिंसिपल को पैसा दियो उस प्रिंसिपल के पास जाओ। और उस वक्त प्रिंसिपल VS राय थे जब हम लोग ये बात करने आए थे। और जब हम लोग VS राय से बात करने आए, उसके बाद VS राय बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता, तुम जिस प्रिंसिपल से लिए उस प्रिंसिपल से पूछो। हाईलाइट कर दिया जाता है, फिर हम लोग का रिजल्ट में इशू होगा, हम लोगों को नंबर में इशू होगा, ये लोग हम लोग को फिर अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। सर हम लोग के सीनियर के साथ ऐसा हो चुका है, सर हम लोग के सीनियर के साथ ऐसा हुआ, इसीलिए हम लोग को डर बन गया, इसीलिए सारी लड़की लोग अपना कवर करके रखे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये लोग हम लोग के साथ भी ऐसा ही करेंगे। हम लोग के अंदर ये लोग ऐसा डर भर दिया और हम लोग को ये लोग कुछ काम नहीं करते, हम लोग को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि हम लोग गरीब खानदान के, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बोल रहे हैं कि हम लोग एडमिशन टाइम में जब हम लोग खड़े थे बाहर में, तब भी हम लोग बोले कि हम लोग एडमिशन ले लीजिए, लेकिन वो लोग बोले पहले पैसा दो उसके बाद ही हम लोग एडमिशन करवाएंगे। सर मतलब जो प्रिंसिपल थे, जो मतलब पहले थे, इनसे पहले थे सुरेंद्र महतो सर, क्योंकि सर हम लोग को ना पैसा मिल रहा है ना ही ड्रेस मिल रहा है, और अब हम लोग को ड्रेस तो चाहिए ही नहीं क्योंकि 6 महीना बाकी है, तो ड्रेस ले कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि हम लोग 2020 में सर हम लोग बहुत हर जगह गए हैं लेकिन कहीं पर हम लोग का बात बना ही नहीं, तो हम लोग को गलती। हाँ JUT तक गए हम लोग सर, जितने भी हम लोग ऊपर है जो हाँ वो नेपाल हाउस सब जगह गए लेकिन वहाँ कोई बात नहीं बना। तब हम लोग को तो कहीं से हम लोग को तो पैसा चाहिए, 5,000 बहुत होता सर हम लोग के लिए। हाँ ये नहीं है मतलब किसी 5,000 5,500 किसी 6 ऐसे लिया गया है, तो भी तो कुछ मैनेजेबल ही नहीं हो रहा ना सर। हम लोग को तो चाहिए पैसा, अब हम लोग को ड्रेस नहीं चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ जहाँ तक हम लोग को पता है 500 रुपये लिया जाता है एडमिशन के टाइम वहाँ पे, जो कि हम लोग को बैंक में हम लोग को रिसिप्ट दिया जाता है, लेकिन हम लोग से जो 5-6 हज़ार लिया गया उसका हम लोग को कोई रिसिप्ट नहीं मिला। मांग करने पर यह बोला गया कि आप लोग का एडमिशन नहीं होगा, तो सब लोग चाहते थे और इतना पैसा कोई कैश भी लेकर नहीं आया था, कोई कोई तो मांग कर सर पेमेंट किया है किसी से। उसके बाद भी हम लोग 6,000 दे भी देते तो हम लोग को ड्रेस तो मिलना चाहिए था ना कम से कम, हम लोग को ड्रेस भी नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग जब सर को बोले, सर भी कोई एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल चेंज हो रहे हैं, 3 प्रिंसिपल हम लोग को चेंज हो चुके हैं, ये हमारा 3rd प्रिंसिपल है।
और जो फर्स्ट वाले प्रिंसिपल थे उनसे हम लोग बात किए तो वो बोले हैं कि ड्रेस हम लोग का फिजिक्स लैब में रखा हुआ है। उसके बाद ये लोग का क्या मैटर है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग को ड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो बस हम लोग को, अब हम लोग लास्ट ईयर में पहुँच गए, हम लोग JUT पे गए, वहाँ से 3 अधिकारी भी आए, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं किया गया। हम लोग का एग्ज़ाम था इसलिए हम लोग एग्ज़ाम तक शांत रहे। एग्ज़ाम के बाद हम लोग फिर से स्ट्राइक किए हैं कि हम लोग को मिलेगा, हम लोग को अब ड्रेस नहीं चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग का पेमेंट किया जाए, बस अब हम लोग कुछ नहीं चाहते। और जो भी यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं उनको सबको पैसा खिला दिया जाता है, घूस दे दिया जाता है, ये सारा चीज़ की वजह से हम लोग का आवाज़ दब जाता है। यहाँ पर 3 अधिकारी भी आए थे लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ उसमें भी गड़बड़ घोटाला किया गया हमारे कॉलेज की तरफ से। तो यहाँ प्रबंधन सही नहीं है, सिस्टम खराब है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।